जंगल। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है मनावर से, जहां चोरों ने बनाया जैन मंदिर को निशाना। कुक्षी नगर में विगत दिनों चोरी की वारदातों में खासी कमी आई थी। उसका कारण था नगर निरीक्षक कमल सिंह पवार की सक्रियता और खौफ। लेकिन जैसे ही टीआई कमल सिंह पवार के स्थानांतर की खबर आई, तो असामाजिक तत्वों एवं चोरों के हौसले को जैसे पर लग गए। चोर ये नहीं जान पाए कि जिस कमल सिंह पवार का स्थानांतरण आदेश पारित हुआ था, कुक्षी नगर के जन सामान्य के अनुरोध पर उसे गंभीरतापूर्वक विचार कर उक्त आदेश को वापस ले लिया गया। विगत दिवस कुक्षी नगर के नजदीक जैन समाज के बड़े तीर्थ के तौर पर प्रसिद्ध तालनपुर के मंदिर में चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया। वह शांत और सुंदर धार्मिक स्थल को क्षति भी पहुंचाई। इस घटना से जहां जैन समाज में भयंकर रोष व्याप्त, वहीं कुक्षी और तालनपुर की आम जनता का मानना है कि कुक्षी के पुलिस प्रशासन की पुनः कमान संभालते हुए टीआई कमल सिंह पवार पर हमें यकीन है कि अन्य वारदातों का पर्दाफाश करने की कार्यशैली के अनुसार टीआई कमल पवार बड़ी वारदात के आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र सलाखों के पीछे पहुंचाने को काम को अंजाम देंगे। फिलहाल जैन समाज मंदिर के परिसर में पुलिस सुरक्षा देने एवं अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। तो करीब 12 बजे के बाद तालनपुर जैन श्वेतांबर मंदिर में और यहाँ से लगा हुआ ऑफिस है, उसमें रात को चोरों ने धावा बोला और यहाँ मंदिर के दरवाजे के ताले तोड़ दिए, मंदिर का भंडार तोड़ दिया और ज्ञान मंदिर, गुरु मंदिर सभी जगह उन्होंने हाथ की सफाई की और चोर फरार हो गए हैं। चोरों का कोई पता है नहीं। प्रातः 6 बजे के आसपास पुजारी जी और मुनीम जी ने घटना की जानकारी ली और करीब एक घंटे बाद पुलिस ने आके यहाँ कार्रवाई की है, लेकिन चोरों का पता चला नहीं है। पास के खेत में कुछ टूटे हुए ताले जरूर मिले हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, गुजारिश करते हैं कि चोरों को शीघ्र पकड़ा जाए और सभी मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। मनावर से अनिल तोमर की रिपोर्ट।